नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। जैसे कि हमारा मार्केट अभी करेक्शन मोड में है एंड इस करेक्शन में जो भी स्टॉक प्रीवियसली ब्रेकआउट कर चुके थे वो सारा स्टॉक अभी पुल बैक कर रहा है, जैसे कि सोलर एक्टिव फार्मा। इस टाइप का स्टॉक जो ऑलरेडी एक रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद पुल बैक कर रहा है, ये सबसे लो रिस्क जोन में अभी अवेलेबल होते हैं एंड उसी जोन में आप इसमें फोकस कर सकते हैं एंड आपका पोजिशन को भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ओपन है सोलर एक्टिव फार्मा का। टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली। अगर आप देखेंगे तो ईयर 2021 में प्राइस यहां पे टॉप ट्रेड किया था, उससे पहले देखिए एक स्ट्रांग अप ट्रेंड को फॉलो किया था एंड आफ्टर 2021 देखिए यहां पे डाउन ट्रेंड को प्राइस फॉलो किया था एंड फाइनली बॉटम फॉर्मेशन के बाद देखिए प्राइस यहां पे इसी रेंज के अंदर यहां पे कंसोलिडेशन हो रहा था एंड जिस रेंज को 3 वीक पहले देखिए प्राइस यहां पे स्ट्रांगली ब्रेकआउट कर दिया है। एज पर द प्राइस एक्शन, अगर प्राइस कभी भी कोई भी एक मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर लेता है, ब्रेकआउट करने के बाद अगर पुल बैक करेगा, वही रेजिस्टेंस अभी के लिए आकरा से सपोर्ट, क्योंकि देखिए ये जो ब्लू लाइन था ना प्रीवियस लेके यहां पे रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा था एंड प्राइस जैसे इसको यहां पे ब्रेकआउट कर दिया है, वही लेवल अभी के लिए आकरा से सपोर्ट जो कि बन रहा है नियरली 480, क्योंकि जो 480 लेवल था प्रीवियसली यहां पे मेजर रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा था एंड इसी जोन के अंदर प्राइस खुद को यहां पे एक्युमुलेट किया था एंड जिस टाइप का यहां पे ब्रेकआउट के बाद प्राइस पुल बैक कर रहा है, अगर स्टॉक का प्राइस यहां पे 480 के आसपास जाएगा, प्राइस यहां पे सपोर्ट लेने के बाद यहां पे बाउंस कर सकता है। उसी कैश में जो प्रीवियस स्विंग लो है 356 के आसपास यहां पे हम स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हैं, नहीं तो और थोड़ा नीचे आएगा तो वहां पे एडिशन कर सकते हैं आपका रिस्क एपेटाइट के अनुसार, क्योंकि जो अक्युमुलेशन जोन था ना जो कि प्रीवियसली रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा था इस जोन का, उसी जोन अभी के लिए एक्ट एज ए मेजर सपोर्ट। तो यहां पे स्टॉक का प्राइस अगर और भी ज्यादा पुल बैक करेगा 480 से 450 के जोन के बीच में सपोर्ट ले सकता है एंड यहां से बाउंस करने के बाद जो टारगेट बनेगा वो बनेगा नियरली 825 एंड 825 को ब्रेक करने के बाद लाइफ हाई को टेस्ट कर सकता है। तो अभी आपको एनालिसिस को इंक्रीज कर देना है, जितना भी स्टॉक प्रीवियसली ब्रेकआउट कर लेते अभी पुल बैक कर रहे हैं, पुल बैक में आप उनका लो रिस्क जोन में अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं एंड हमेशा से क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा। मैं आशा करता हूं आप डेटा एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।